आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। आज रामनवमी के शुभ पावन अवसर पर अयोध्या में रामलला के मंदिर में रामलला का सूर्याभिषेक हुआ और 500 साल का लंबे इतिहास के बाद ये पहला मौका है रामनवमी के मौके पर जब श्री राम का सूर्याभिषेक हुआ है और इसके लिए मंदिर में हजारों लोग श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है और ये जो सूर्याभिषेक हुआ है इसके लिए इसे हम कह सकते हैं आस्था और विज्ञान का ये बहुत ही अद्भुत एक समागम था और इसके लिए काफ़ी सारी तकनीक का प्रयोग किया गया था, जैसा कि मंदिर के तीसरे मंजिल से सूर्य की किरणों को लेंस के जरिए शीशे के जरिए वहाँ से रिफ्लेक्ट किया गया, दूसरे मंजिल पर लाया गया रोशनी को, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट करते हुए रोशनी को दो पीतल की पाइप से गुजारा गया और उसके बाद 90 डिग्री में इस रोशनी को लाकर वापस इसे लेंस के जरिए और कहा यह जा रहा है कि तीन तरह के लेंसों से गुजरता हुआ ये रोशनी, सूर्य की रोशनी भगवान श्री राम के मस्तक पर आकर उनकी रोशनी पड़ी है सूर्य की और इस तरह से श्री राम का सूर्याभिषेक हुआ है। ये सूर्याभिषेक जो सूर्य की रोशनी आई है उनके मस्तक पर वो 75 मिलीमीटर का एक गोलाकार के रूप में उनके मस्तक पर शोभामान हुआ है और इसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों वहाँ उमड़े हैं, जल सैलाब उमड़ पड़ा है और इसकी जो भव्य और जो दिव्य नज़ारा है लोगों के लिए बहुत ही मनोरम है। लोग बहुत खुशी है, धूम है चारों तरफ रामनवमी की और इस रामनवमी के मौके पर GBN टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।